नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। यूपी के संभल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान दो बीवी रखता है तो उनका पूरा सम्मान भी करता है, लेकिन हिंदू एक से ज्यादा महिलाओं को रखेल के तौर पर रखता है और उनसे नाजायज औलादे भी पैदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान कोई गाजर मूली प्याज नहीं है जो कोई भी काट दे। तो संभल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, AIMIM नेता शौकत अली के बोल बिगड़े हैं तो हिंदुओं पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं और ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शकल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पिशाब दोनों कटा लेंगे। SHO का नाम था अमरिंदर सिंह। ठाकुर साहब पुराने रिश्ते हैं, साले लगते हैं पुराने। जोधाबाई के भाई तो लगते होंगे ना, तो फिर रिश्ता तो वही हुआ ना भाई। हम सेक्युलर है इसलिए हम आपको इज्जत दे रहे। तो ये साले साहब ने वहां खड़े होकर के क्या कहा? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, रिश्ते की बात में साले बोला हूँ। देख, साले गाली भी होता है और नकल बोलेंगे कि देखो ये भड़काऊ ये भी बोल रहा। बोले माइक पकड़ के कह रहा है ना, हम कमजोर है ना तुम कमजोर हो। एक एक को चुन चुन करके मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। SHO साहब, वर्दी उतार करके बात करो तो हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अरे यहां की सबसे आसान सजा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं दो दो तीन तीन शादियां। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, तीन रखेल रखते हो, किसी को नहीं बताते हो ना, उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर दो करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं, उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं। तो यूपी के संभल से आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सुन रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। तो काफी विवादित बयान ये दिया गया है। तो कहा गया है कि अगर मुसलमान दो बीवी रखता है तो उनका पूरा सम्मान भी करता है। तो शौकत अली के बिगड़े बोल तो ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आपको। तो AIMIM प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली। कौन है शौकत अली, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है, तो दूसरे धर्म के लोगों पर उन्होंने तंज कसा है। हिंदुओं के लिए बोला गया है कि वो रखेले रखते हैं बीवी के साथ साथ, हिंदू एक से ज्यादा महिलाओं को रखेल रखते हैं। तो कहा गया है सीधे तौर पर हिंदुओं के लिए ये विवादित बोल बोले गए हैं, नाजायज औलाद पैदा करते हैं, तो हम तीन शादी करते हैं तो तीनों को इज्जत देते हैं। तो शौकत अली के बिगड़े बोल। तो यूपी के संभल से आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सुन रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने काफी विवादित बयान दिया है। तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। हमने आपको विवादित बयान भी सुनाया, क्या कुछ कहा फिर से आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान दो बीवी रखता है तो उनका पूरा सम्मान करता है, लेकिन हिंदू एक से ज्यादा महिलाओं को रखेल के तौर पर रखता है, यानी कि हिंदू महिलाओं का भी उन्होंने अनादर किया है। कहा है कि हिंदू एक से ज्यादा महिलाओं को रखेल के तौर पर रखता है और उनसे नाजायज औलाद भी पैदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान कोई गाजर मूली प्याज नहीं जो कोई भी काट दे, तो नाजायज औलाद पैदा करने वाला यह उन्होंने विवादित बयान किया है। अभद्र टिप्पणी की गई है उनके द्वारा। तो हम तीन शादी करते हैं तो तीनों को इज्जत देते हैं, ये कहना है उनका। तो शौकत अली ने क्या कुछ कहा है ये बयान हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने यूपी के संबल में। उनका नाम था अमरिंदर सिंह ठाकुर साहब, पुराने रिश्ते हैं, साले लगते हैं पुराने, जोधा भाई के भाई तो लगते होंगे ना, तो फिर रिश्ता तो वही हुआ ना भाई। हम सेक्युलर है इसलिए हम आपको इज्जत दे रहे। तो ये साले साहब ने वहां खड़े होकर के क्या कहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, वो रिश्ते की बात में साले बोला हूँ, देख साले गाली भी होता है और नकल बोलेंगे कि देखो ये भड़काऊ ये भी बोल रहा, बोले माइक पकड़ के कह रहा है ना हम कमजोर है ना तुम कमजोर हो, एक एक को चुन चुन करके मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। SHO साहब वर्दी उतार करके बात करो तो हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं संबल से। सतीश, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सुन रहे थे, काफी विवादित बयान दिया गया है उनके द्वारा। हम आपको बताते चले, AIMIM के शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष आए थे संबल में और उन्होंने एक आपत्ति बयान दिया है जिसको लेकर यहाँ पर जो भड़काऊ बयान दिया गया है इसी को लेकर बताया जाता है की हिंदू के लिए एक यहाँ की जो महिला है उनके लिए शब्द बोला गया है, उनके बच्चों के लिए शब्द बोला गया है। इस तरह से बता सकते हैं कि जो बताया गया कि मुस्लिम में दो शादी करने के लिए नाजायज नाम दिया जाता है, लेकिन हिंदुओं में जिस तरह दो शादी करता है और जो तीन शादी करते हैं उन्हें रखेल का दर्जा दिया गया है और उनके बच्चों को बताया गया है कि ये नाजायज औलाद बताया गया है। इसी को लेकर जो है यहाँ के प्रशासन सतर्क हो गया है और यहाँ के जो कप्तान है SC चक्रेश मिश्रा, उन्होंने आपत्ति इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम शौकत अली को सुन रहे थे SHO तक को उन्होंने धमकी दे दी है कि वर्दी उतार के बात कीजिएगा। जी हम आपको बताते चले, जिस तरीका से ये शौकत अली आए थे जिनका संबल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच में इन्होंने इतना भड़काऊ भाषण दिया कि इस तरीका से बता सकते हैं कि जो हिंदू के लिए कितनी किस तरीका से इनके शब्द बोले जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए किस तरह शब्द बोले जा रहे हैं और मुस्लिम के लिए कितना सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे राजा महाराजा पहले पुरुषों करते थे और ये जो है ये हिंदू लोग थे नाक करते थे हमारे राजाओं के सामने, कई सामने आए थे। इसी को लेकर के यहाँ के प्रशासन ने सतर्क हुआ, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है और बहुत जल्दी की बात की जा रही है कि यहाँ के उनके गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी। तो किस चीज को लेकर ये जनसभा लगाई गई थी सतीश? देखिए हम बता दें आपको, जिस तरह से एक जनपद संभल में आए थे, एक प्रोग्राम चल रहा था उस जनसभा में आए थे और जनसभा का मामला था तो उसी में देखा जाता है कि ये जनसभा में अपने भाषण दे रहे थे और भाषण देने के बाद में इन्होंने जिस तरीका से हिंदू के लिए किस तरीका से शब्द बोले गए हैं और उनके लिए बोला गया है, उनकी जो बेटियों के लिए बच्चों के लिए बोला गया है, उनकी औरतों के लिए बोला गया है, तो बहुत सरासर गलत है क्योंकि मुस्लिम समाज किसी का आदेश नहीं देता है कि जो हिंदू के लिए इस तरह बोला जाए। मुस्लिम समाज है उनके यहाँ दो रखें चार रखें उनकी इच्छा है, हिंदू समाज में एक ही रखा जाता है जो तो तलाक नहीं होता। दूसरी बात उनका कहना है कि जो रखेल माना गया है उनके बच्चों की नाजायज की औलाद कहा गया है। जी सतीश, क्योंकि काफी विवादित और काफी अभद्र टिप्पणी की गई है हिंदुओं पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब AIMIM के नेताओं ने इस तरह के अभद्र बोल बोले हो। इससे पहले भी चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो उनके भाई हो, उन्होंने भी काफी अभद्र टिप्पणी की थी, चाहे वो देवी देवताओं को लेकर हो, चाहे वो हिंदू समाज को लेकर हो। सतीश, AIMIM की पार्टी ऐसी पार्टी है जिस तरीका से ये भड़काऊ भाषण देती है, जिस तरह से देखा जा सकता है कि इनके यहाँ कोई भी भाषण नहीं होता और ये सीधा सीधा मुस्लिम के लिए बताते हैं कि मुस्लिम ये हिंदू के लिए टारगेट करते हैं और मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा बताते हैं।
इस तरह से इन्होंने जिस तरह ये मामला सामने आया है, इसी को देखते हुए यहाँ के प्रशासन जो जिस तरह से जागा है, और प्रशासन की बात की जाए यहाँ के जो तुरंत यहाँ के चक्रेंद्र मिश्रा कप्तान है, उन्होंने एक बायोडी वायरल की है और उन्होंने कहा है कि हमने इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के संभल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को हम आपको सुना रहे थे, क्या कुछ बयान उन्होंने दिया था वो हम आपको सुना रहे थे। हिंदुओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है उनके द्वारा, तो हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है, दोबारा से आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान उन्होंने दिया था हिंदुओं को लेकर। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शकल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो अरे यहाँ की सबसे आसान सजा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं दो दो तीन तीन शादियां। यकीनन हम दो शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं, तुम एक शादी करते हो तीन रखेल रखते हो किसी को नहीं। तो वहीं यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। तो जहां इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो प्रयागराज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रयागराज पहुंचे हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, तो कई अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई है, काफी खास ये बैठक भी बताई गई है। तो आज प्रयागराज के दौरे पर है जितिन प्रसाद। तो यूपी में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है, तो जिसको देखते हुए अब दौरे किए जा रहे हैं। तो जहां इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी आज यूपी के प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोएब, निकाय चुनाव एक तरफ है तो वहीं बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। सोएब, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है। अभी कल ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित करीब दो और मंत्रियों ने यहाँ पे जिला पंचायत के वहां पे बैठक की थी। अब कहीं ना कहीं आज फिर एक बैठक हुई है सर्किट हाउस में। अब इस बैठक को जितेन ने संबोधित किया है, हालांकि जो यहाँ के प्रभारी हैं इस प्रयागराज के चुनाव प्रभारी हैं, तो यहाँ पे जो चुनाव होगा उसके राजनीतिक कार्य वही रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो निकाय चुनाव को लेकर के काफी गर्म। तो सोएब, सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर ही चर्चा की जाएगी या और भी अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा आज हो सकती है? सोएब, बिल्कुल, चूंकि वो इस क्षेत्र के चुनाव प्रभारी हैं, तो अभी जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ या जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक कर रहे हैं उससे सीधे सीधे उनका एक तरह से किस तरह से तैयारियां की जा सकती है, किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस, उसी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोएब आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पदाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निधन के बाद
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया था। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पदाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो खुद को उन्होंने शंकराचार्य घोषित किया था, लेकिन उनके पदाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि नगर निकाय चुनाव में सभी सीटें जीतने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मदरसों को लेकर भी कहा कि सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है। पार्टी का एक प्रशिक्षण वर्ग है एक दिन का, और प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। पहला सत्र है, पहला सत्र समाप्त हो गया, आगे फिर हम लोग पश्चिम क्षेत्र की सभी नगर निकायों की बैठक के लिए हापुड़ में रहेंगे। जो हमारी नगर पंचायतें हैं, नगर पंचायतों को हमने मेयर की और नगर पालिकाओं की लखनऊ में बैठक कर ली है, और अब नगर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वहीं बिहार में जेडीयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है, जहां उन्होंने मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के खाने के दांत और कुछ है और दिखाने के और कुछ। तो इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी अति पिछड़ा नहीं है, वो तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, वो पूरे देश में घूमकर सिर्फ झूठ ही परोसते हैं। वो कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 10 साल हो गया उनको, 8 साल अभी हुआ है, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसका हिसाब उनको जनता को बताना ना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहाँ दिया, नहीं बता। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब वही खाता, सब साफ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।